तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। फाइनली आज हम आप लोगों के लिए जो स्मार्टफोन लेके आए हैं उसका नाम है टेक्नो कैमर 19 प्रो, जो कि पाकिस्तानी मार्केट में बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल सकता है। इसकी प्राइस की बात हम लास्ट पे करेंगे, इसकी सबसे पहले स्पेसिफिकेशन की बात कर लें। इसके अंदर आपको ना डोटिंग डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अंदर आपको एसएसडी वाला पैनल देखने को मिलता है जो कि एक माइनस पॉइंट लगता है मुझे, ठीक है। वैसे रेजोल्यूशन फुल देखने को मिलते हैं। बाकी 5000 mAh की बैटरी, 18 वाट का फास्ट चार्जर है। और फर्दर स्पेसिफिकेशन की बात आगे जल्दी करते हैं तो चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फाइनली इसके अंदर आपको दो से ना दो कलर देखने को मिलेंगे और इसके अंदर आपको डुअल सिम डाल सकते हैं और नैनो वाली सिम डलेंगे इसके अंदर। इसके अंदर आपको 4G सपोर्ट देखने को मिलेगी, 5G की सपोर्ट देखने को नहीं मिल सकती। और इसके अंदर आपको प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मीडियाटेक का हीलियो G96 वाला देखने को मिलता है जो कि बहुत ही पावरफुल चिपसेट है, आपको अच्छी परफॉर्मेंस पाई करेगा। वैसे देखा जाए ना तो टेक्नो और इन्फिनिक्स के जो स्मार्टफोन होते हैं ना वो आपको मीडियाटेक के अपने चिपसेट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इसमें जो है उनका ही फायदा होता है और हमारा भी फायदा होता है। तो 12 nm फैब्रिक से थोड़ा हीटेड होगा स्मार्टफोन आपका। डिस्प्ले की बात करें तो IPS 3 वाला पैनल देखने को मिल जाएगा और 6.8 इंच का डिस्प्ले साइज देखने को मिलेगा और 1080p रेजोल्यूशन है और 395 PPI डेंसिटी देखने को मिल जाएगी जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। 16 मिलियन कलर वाला मल्टी टच स्क्रीन देखने को मिलती है इसके अंदर। मेमोरी की बात कर लें इसके अंदर आपको 8GB रैम देखने को मिल जाएगी, 128GB रोम देखने को मिलेगी और माइक्रो एसडी कार्ड का सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये भी कन्फर्म नहीं है कि कौन सी आपको कौन सी है ना कितनी तक कितनी रेंज तक आप इसके अंदर माइक्रो एसडी कार्ड डाल सकते हैं। तो अगर बात कर लें कैमरे की, इसके बैक पर आपको क्वाड सेटअप कैमरा देखने को मिलेगा। डिज़ाइन बैक का जो है बहुत ही अच्छा दिया गया, बहुत ही प्रीमियम अच्छी लुक देता है। और देखा जाए तो ना टेक्नो ने भी अपने डिज़ाइन के ऊपर काफ़ी फोकस किया है, ठीक है। फ्लैट आपको इसके अंदर फ्रेम देखने को मिलेगा और 64 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा देखने को मिलता है, 8 मेगापिक्सल का स्कैंडी लेंस देखने को मिलता है और प्लस 2 मेगापिक्सल का। और इसके अंदर आपको 48 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाएगी और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 1080p पर 30 FPS पे। अगर बात कर लें कनेक्टिविटी की, इसके अंदर आपको वलान, ब्लूटूथ, GPS, रेडियो, USB डाटा कनेक्शन सब कुछ देखने को मिलता है जो कि स्मार्टफोन हर स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाता है। तो अगर बात करी जाए तो उसकी फिंगरप्रिंट सेरेमनी है और HDMI 5 ब्राउज़र, 3.5 mm जैक देखने को मिल जाएगा और स्पीकर जो दोस्ती हैं सारे को देखने को मिलता है जो हर स्मार्टफोन के अंदर होता है। मैं कभी कभी इसीलिए नहीं बताता होता कि हर स्मार्टफोन के देखने को मिलता है ये चीज़ें। बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और इसके साथ 18 वाट तक का फास्ट चार्जर है जो कि मैं आपको पहले बता चुका था। तो देखा जाए तो बैटरी के अंदर भी आपको थोड़ी कम ही प्राइस की गई है इस प्राइस के अंदर 50,000 रुपये के अंदर। तो 50,000 रुपये के अंदर पाकिस्तानी मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि लॉन्च हो जाए। इससे बेहतर जो स्मार्टफोन है ना 5000 रुपये आप और डाल के इन्फिनिक्स की तरफ से स्मार्टफोन है, इन्फिनिक्स Note 12 VIP वाला स्मार्टफोन जो कि बहुत ही दमंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है आपको इस प्राइस के अंदर, वो तकरीबन 55,000 के अराउंड पर लॉन्च हो सकता है पाकिस्तानी मार्केट में। तो देखा जाए तो इसके अंदर भी आपको डोटिन डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है और 120 वाट तक का फास्ट चार्जर, 108 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलता है और मीडियाटेक हीलियो G96 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो देखा जाए तो इससे कई हद अच्छी परफॉर्मेंस के अंदर देखने को मिलती हैं। अगर इसकी मुकम्मल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर अपने चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड की हुई है, प्रीवियस वीडियो है ऐसे, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो दोनों स्मार्टफोन एक ही डेट पर लॉन्च हो सकते हैं पाकिस्तानी मार्केट में, जहाँ 19-20 के फर्क के साथ लॉन्च हो जाएंगे। तो दोनों का डिज़ाइन जो उनसे बैक का बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो आप किस स्मार्टफोन की तरफ पसंद करते हैं, मेरे ख्याल में आप इन्फिनिक्स की तरफ चल जाएँ जो ज़्यादा बेहतर स्मार्टफोन हो सकता है। तो हमारी वीडियो की क्वालिटी कैसी है आप हमें कमेंट में जरूर तैयार करें ताकि हम अपनी वीडियो को क्वालिटी को बेहतर कर सकें। अगर नहीं अच्छी तो हमारी जो सी वॉइस है, जो सी हमारी बोलने का तरीके हैं वो कैसे ये भी तैयार करें और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर आइएगा। अब तक की अल्लाह आपकी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात हो। अपने अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।